आज से ठीक 2 दिन बाद अमावस्या की रात है और उस रात को मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। लेकिन मुझे शक्तिशाली होने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों की बलि चढ़ानी होगी, तो इसीलिए मैं इस वेस्टर्न के अंदर आया हूँ ताकि इस वेस्टर्न के लोगों की मैं बलि चढ़ा सकूँ। तू मेरे लिए लोगों को पकड़ कर लाएगा ताकि मैं उनकी बलि चढ़ा सकूँ। हाँ ठीक है, मैं बंदे लेकर आऊँगा, तुम बस पैसों का इंतजाम करके रखना, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देना। हाँ ठीक है, जैसे ही तू बंदे ले आएगा मेरे लिए, मैं उसी वक्त तुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे दूंगा। और तू मेरे लिए बिल्कुल 30 बंदे लेकर आएगा और उन 30 बंदों की मैं बलि चढ़ा दूंगा, फिर मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तू मांगेगा तुझे वही मिलेगा, बता क्या चाहिए तेरे को। वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बंदे ढूंढ कर लाता हूँ। और तुम मुझे यहाँ की पल पल की खबर देते रहना क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बात अगर ओपीरो को पता चल गई तो वो मेरे रास्ते में बाधा डाल सकता है। जी तांत्रिक बाबा, ओपीरो को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं लगेगी, आप चाहिए। अब मैं कसीनो में जाकर लोगों को मारना शुरू कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पर बलि दिया करूँगा लोगों की। बाबा जी, मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा कलेश हुआ करता है, कोई उपाय बताइए। मैं तेरे घर में पूजा पाठ कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। धन्यवाद बाबा जी। अब मैं यहाँ पर हर एक लोगों की बलि लूंगा और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। तुम में से कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे कुत्तों। मेरा ये हथियार बहुत ही खतरनाक है, तू भी नहीं बचेगा, कहाँ बैठा हुआ बचने की सोच रहा है, चल मरा ना तू। अब यहाँ पर ये बंदा भी नहीं बचेगा, सट्टे लगाता है ना तू तो मरा। चलो भाई, बहुत ही ज़्यादा बलि ले चुका हूँ मैं, बस कुछ बलि और फिर आज की बलि मेरी पूरी हो जाएगी, इन सब को भी मार डालूँगा। बस मुझे 3 बंदों की और बलि लेनी है, इसको मार देता हूँ, एक इसको मार देता हूँ, चलो भाई बस एक इस लड़की को मार देता हूँ, मैं और भी बलि ले लेता हूँ एक फालतू बलि, तो इसकी भी मैंने बलि ले ली। ये बाबा तो बलि ले रहा है, लोगों को मारी जा रहा है, अरे इसको तो मैं नहीं दिखा, मुझे लगता है मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये बाबा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये बात मुझे रोफिरो को बतानी होगी, वरना ये बाबा सारी रोफिरो वेस्टर्न के लोगों को मार देगा। रोफिरो, मैं आ रहा हूँ रोफिरो। ये जगह मेरे छुपने के लिए बिल्कुल ही सही है, अति उत्तम, अब मैं यहीं छुपता हूँ। यिप्पी, मेरे पास है आयरन मैन का बहुत ही बढ़िया वाला सूट और इसी से मैं उड़ सकता हूँ, वाहो यहे। अब मैं जाता हूँ सूट को लेकर टिप्सन दादा के पास, उसे भी दिखाता हूँ कि मेरे पास है बहुत ही खतरनाक वाला सूट। तो टिप्सन दादा, देख मेरे पास कितना खतरनाक सूट है, इससे मैं आसमान में भी उड़ सकता हूँ, और यार मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस सूट को लेकर। रोपियो, हमारे इस वेस्टर्न के अंदर एक तांत्रिक बाबा आ चुका है, वो लोगों की बलि ले रहा है और लोगों को मार जा रहा है, हमारी वेस्टर्न के लोग बिल्कुल ही खतरे में हैं, तू कुछ कर ना रोपियो, कुछ कर, मैं बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ, तू कुछ कर, उस तांत्रिक बाबा को मार दे रोपियो। ये क्या कह रहे हो टिप्सन, हमारी इस वेस्टर्न के अंदर एक तांत्रिक बाबा है, मतलब कि वो लोगों का खून कर रहा है, वो खूनी तांत्रिक है, इतना खतरनाक तांत्रिक, और वो भी मेरी वेस्टर्न के अंदर, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो टिप्सन, मैं उसे मारने के बाद ही तुमसे मिलूंगा, तो मैं चलता हूँ टिप्सन, मुझे पता है वो तांत्रिक कहाँ होगा, क्योंकि ऐसे तांत्रिक का ठिकाना एक ही जगह पर होता है। अबे वो बैंक लूटता है, रुक 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 रुक, बैंक लूटता है, बैंक चोर, ये ले ये ले। तो भाई बैंक चोर को तो मैंने मार दिया, मैं तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल लेता हूँ, मुझे पता है इस चपरासी को पता हुआ तांत्रिक कहाँ पे है। ओ भाई तांत्रिक कहाँ पर है, जल्दी से बता। और फिर तांत्रिक अंदर है, जा। अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज है, हीरो फिर मारा जाएगा, अभी ये बाहर कभी नहीं आ सकता। अरे बाप रे, उस चपरासी ने मेरे साथ मतलब बहुत बड़ा धोखा किया, उसने मुझे कहा यहाँ पर तांत्रिक है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोम्बिस है, इन जोम्बिस को मुझे मारना होगा, और इसको मारने के बाद उस चपरासी को भी मार दूंगा। ये चपरासी ने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश कैसे की, तो मैंने लगभग सभी के सभी जोम्बिस को मार दिया, अब इसको मार देता हूँ। तू कैसे बच गया, अरे नहीं मुझे मत मार, नहीं 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 मुझे मत मारना। गद्दार कहीं का झूठ बोलता है मेरे साथ, अब मैं तांत्रिक बाबा को ढूंढने जाता हूँ, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा तड़पा रहा, मुझे कब मिलेगा ना जाने। अबे ये ही है वो तांत्रिक का आदमी, मुझे पता है, जल्दी से बता तांत्रिक कहाँ पर है।
अबे चल मैं नहीं बताने का, निकल यहाँ से। अच्छा बच्चू नहीं बताएगा, अब देख तेरा क्या हाल करता मैं, तू अपने आप ही बताएगा। अरे नहीं 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 मुझे नीचे उतारा रो, फिर नीचे उतारा, मैं बताता हूँ। चल बता जल्दी से बता। वो तांत्रिक बाबा क्या सीनो, मैं बाहर हूँ, फिर मुझे छोड़ दो, अब तो मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ हाँ छोड़ देता हूँ, क्या बात होगी, तुझे तो इतनी दूर छोड़ूंगा तू याद करता फिरेगा। वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, तेरे को वहीं पे पटक पटक के मारूंगा, तू देखता जा बस, अब तू तेरे को छोड़ देता हूँ मैं। 1 2 3 चल। चलो भाई गया इसका काम तमाम, अब मैं चलता हूँ कैसीनो और उस तांत्रिक बाबा की बिल्कुल ही कर देता हूँ हवा टाइट। अब ये क्या, ये तो यार ये सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हें पता है तांत्रिक बाबा कहाँ है? अरे फिर वो तांत्रिक बाबा यहीं कहीं है, जल्दी से ढूंढ कर मार दो। ओ तो मतलब तांत्रिक बाबा हमारी इसी वेस्टर्न के अंदर ही है। अभी ये क्या, ये सभी के सभी आदमी जो तांत्रिक बाबा के दोस्त हैं, इन सभी को तो मरना पड़ेगा, ये हमारी कैसीनो को बिल्कुल ही बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई चलो भाई इनका काम तमाम कर देता हूँ मैं, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इनको तो गोली से मारना पड़ेगा भाई, ये हाथ पैरों से नहीं मरने वाले। मारो मारो चाहे मारो मारो। बेटा मुझे मारना इतना मुश्किल नहीं है, तेरे तांत्रिक बाबा को तो मैं ही मारना है, उसे तो मैं मार के जाऊंगा। अब ये 2-3 बंदे और पड़े हैं, इनको भी जिंदा चला देता हूँ, मतलब मार देता हूँ गोली से जिंदा ही। तो चलो भाई इन दोनों को भी मार दिया जाता है, ये दोनों तांत्रिक बाबा के मतलब दोस्त है बहुत ही बड़े वाले। तो भाई मर गया, अब तांत्रिक बाबा को ढूंढता हूँ कहाँ पर है। अरे अरे ये क्या, ये सब कैसे मारे गए, मतलब कि यहाँ पर रोपी रो आ चुका है, मुझे जल्दी से जल्दी बलि लेनी होगी लोगों की और यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना रोपी रो मेरे को मार देगा। चलो भाई मैं बलि लेना शुरू करता हूँ, तेरी भी बलि ले लूँगा मैं, तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे मारने की कोशिश करता है तू तो मर गया, चलो अब इसकी भी बलि ले लेता हूँ। आज ही रात अमावस्या की रात है और आज की रात मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊँगा और फिर इस वाशटाउन पर अपना कब्जा जमा लूँगा, कोई नहीं बचेगा इस वाशटाउन के अंदर। फिर चलो भाई इन दोनों को भी मार दिया मैंने, नहीं ये रह गई लड़की, आज तांत्रिक बाबा की बलि से कोई नहीं बच सकता, तुम सब के सब मारे जाओगे। रो भी रो इस आता ही होगा यहाँ से, मुझे जल्दी से जल्दी इनको मार के यहाँ से भाग जाना चाहिए। इन दोनों को तीनों को भी मार देता हूँ, अब मैं यहाँ से निकल लेता हूँ फटाफट। अरे अरे ये क्या, यहाँ पर तो सब के सब मारे गए, मतलब वो तांत्रिक बाबा ने इन सबको मार दिया। अब ये तांत्रिक बाबा लगता है इस वाइस टाउन से, मतलब वाइस टाउन से नहीं, इस वाइस टाउन के कैसीनो से बिल्कुल ही बाहर चला गया, मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा वरना वो बाहर जाकर लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है और वहाँ पर लोगों की बिल्कुल ही बलि ले सकता है। तो मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए बिल्कुल ही जल्दी से फटाफट। तांत्रिक बाबा मुझे अब तो पक्का यकीन हो गया कि तांत्रिक बाबा इस कैसीनो के अंदर अब नहीं है, मुझे निकल लेना चाहिए। तांत्रिक बाबा ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, इतना बड़ा मतलब अपराध किया उसने, अब तो उसे जिंदा मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा, बहुत ही बेरहमी से मारूंगा। हमारी इस वॉइस टाउन के अंदर वो आ कैसे गया बिना मुझसे पूछे, और आ तो गया, उसने हमारे लोगों को मारना कैसे शुरू कर दिया। अब तो वो गया, मुझे लगता है वो आसमान में कहीं जाकर छिप गया, तो मैं उसे आसमान में ढूंढ लेता हूँ। अरे ये कहाँ चला गया, अभी तक नहीं मिल रहा, मुझे लगता है ये मुझसे कहीं जाकर छुप गया है। और हाँ आज तो अमावस्या की भी रात है, मुझे लगता है वो आज बहुत ही ज़्यादा बलि लेने वाला है और बलि लेने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं उसे रोक लूँगा और अपनी इस वेस्टर्न को बर्बाद होने से बिल्कुल ही बचा लूँगा। ये देखो हमारी वेस्टर्न कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी लगती है, बच जाएगी हमारी वेस्टर्न, जल्द ही बचेगी।